कि इंसाफ पे यकीन है अभी आपको, अदालतों पे यकीन है आपको, लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? ये मेरी पाकिस्तान की अदलिया मेरे लिए काबिल फ़ख्र है। आगे भी ख्वाजा आसफ ने बहुत मुकदमात मुझ पर किए और वो झूठे थे, यहाँ से मुझे इंसाफ मिला। आज भी मुझे उम्मीद है मुझे इंसाफ मिलेगा। मैंने जज साहब पर और अपने अल्लाह पर फैसला छोड़ दिया है, क्योंकि वो बेहतरीन फैसले करने वाले हैं इंशाल्लाह। जी सलाम अलैकुम जी, आज रेहाना डार साहिबा का केस था जो ख्वाजा आसिफ साहब के ख़िलाफ़ जो उन्होंने धांधली करके इनसे सीट छीनी है इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के और आर ओ को मिला के, तो आज उनकी इलेक्शन पटिशन फाइल हुई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल था जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब का, वहाँ कुछ 10-15 मिनट 20 मिनट की हमारी हेयरिंग हुई है। जज साहब को सारा हमने केस समझाया है, किस तरह हम उनको सारा समझाया है कि किस तरह इनके जो वोट हैं उनको इंटरचेंज करके ख्वाजा आसिफ साहब को दे दिए गए 191 पोलिंग स्टेशन के ऊपर, और ये भारी लीड से 50,000 की लीड से इलेक्शन जीती हुई है। उस पर जज साहब ने नोटिसेज वगैरह कर दिए हैं, 2 हफ्ते की डेट पड़ी है, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस केस का फैसला जल्दी होगा, क्योंकि कानून कहता है कि 6 महीने में होना है, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये लाहौर हाईकोर्ट जो है इस केस का फैसला करेगी। जो जुल्म हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है इनके साथ, इनकी फैमिली के साथ और सियालकोट की आवाम के साथ जिनके हक़ पर डाका मारा गया है, इंशाल्लाह वो रिवर्स होगा, हमें पूरी उम्मीद है।